हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल दोस्तों आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सो so, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो so, शुरू करते हैं टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन वेर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनेस्को सो राइट आंसर इज पेरिस uh, ध्यान रखना यूनेस्को का हेडक्वाटर कहाँ पे है पेरिस पे सो so, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है और यह कब एस्टेब्लिश हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू हुच टाइप ऑफ लाइट्स आर स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्व बाई प्लांट इसका राइट right आंसर होगा ब्लू एंड रेड क्वेश्चन नंबर थ्री हुच यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द बायोडिजल मिशन एज नोडल मिनिस्ट्री राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर वेयर आर डीजल लोकोमोटिव मेन्युफैक्चर राइट आंसर इज वाराणसी क्वेश्चन नंबर फाइव द सिल्वर कॉइन ऑफ द गुप्ता पीरियड वाय आर नौन बाय द नेम रइट आंसर इज रुपए का नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स व्वेन टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कॉलिजन व्हाट दिस इज सेट राइट आंसर इज कंप्लीटली इलास्टिक क्वेश्चन नंबर सेवेंट व् इज द हेडक्वाटर ऑफ द एमिनिस्टी इंटरनेशनल राइट आंसर इज लंडन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द आइडियल एवरेज एनपीके यानी नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन पोटेशियम कैल्शियम रेशियो एग्रीगेटेड फॉर द कंट्री एज अ होल सो राइट आंसर इज फोर इज टू टू इज टू वन क्वेश्चन नंबर नाइन ऑन हुइ डेट द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन इसको एपीहेल बोलते हैं राइट आंसर इज जुलाई फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन इच स्ट्रक्टर स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई एम्पायर अकबर इन फतेहपुर सिकरी राइट आंसर इज पंचमहल देखिए यह सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह सिर्फ आपके लिए मैं लेके आया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन हुइच ऑर्गन ब्रेक्स अ फैट टू प्रोड्यूस द कोलेस्ट्रॉल राइट आंसर इज लिवर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बाई होम दैलरी एंड प्री रिक्वेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आर डिसाइडेड राइट आंसर इज पार्लियामेंट Next question, question number 13. During the fermentation of sugar, which enzyme which convert the glucose into ethyl alcohol? Right answer is uh, enzymes. Question number 14. The latitude of a place express, expresses its angular position relative to the place of which point? Right answer is equator. Next question, question number 15. Who was the first Indian Hindi scholar of the Mughal period? Right answer is Abdul Rahim. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एमिनिस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ हुइच फील्ड राइट आंसर इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हुच ह्यूमन ऑर्गान इज मोस्ट ससेप्टेबल टू हार्मफुल रेडिएशन राइट आंसर इज लंग्स ध्यान रखना जनरल uh, साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन हुइज पार्ट मोडिफाइड इन टू पिचर इन पिचर प्लांट राइट आंसर इज लीफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन who introduced the term anticyclone for the first time very important uh, right answer is f gelton next question yani question number 20 which distinguishes the harappan from other contemporary civilization of the world very very important question town planning and drainage next question question number 21 what about the ministry in the event of the resignation of resignation or death of prime minister right answer is the ministry is dissolved next question Question number 22. A temperature difference of 25 degrees Celsius is equivalent to a temperature difference of how many Fahrenheit? Right answer is 45F. Next question, question number 23. Participatory note, any PNS, uh, are associated with which investor? Right answer is foreign institutional investor. Next question, question number 24. Why do the tropical cyclone not occur close to the equator? सो इसका राइट आंसर होगा वीक करोलिज फोर्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वट वॉज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए सील इन द इंडस्ट वैली सिविलाइजेशन राइट आंसर होगा टू सिग्निफाई ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स व्हाट इज एंसोमिया सो राइट आंसर होगा लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एनसोमिया होने से आप लोगों को स्मेल का जो सेंस है वो लॉस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन एंटो एंटोमोफिली पोलिनेशन ऑफर्स विद द हेल्प ऑफ विच क्रिएचर राइट आंसर इज इन सेट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इंग्लैंड इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट सॉरी इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट राइट आंसर होगा नागालैंड बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन विच रिबर डज नॉट फॉर्म मैनी डेल्टा एट इट्स माउथ राइट आंसर इज ताप्ती एंड नर्मदा यह भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्टी हु प्रिसाइडेड ओबर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगीर राइट आंसर इज महाकश्यप क्वेश्चन नंबर वन ये दूसरे जो जी एस का है क्वेश्चन उससे मैं क्वेश्चन नंबर वन करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा आप लोग इसको देखना पेशेंस रखे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन है ड्यूट्रियम न्यूक्लियास कंसिस्ट ऑफ विच पार्टिकल्स राइट आंसर इज वन वन प्रोटोन एंड वन न्यूट्रोन विथ हुई फील्ड इज बेल बेगम अख्तार एसोसिएटेड सो राइट आंसर होगा वोकल म्यूजिक क्वेश्चन नंबर थ्री इन हुई आर द सम मोर कमर्शियल बैंक इन एडिशन टू द फर्स्ट लॉट ऑफ वन फोर्टी वन आई आर नेशनलाइज इन इंडिया राइट आंसर इज नाइनटीन एटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर पैन गंगा वर दिन वैन गंगा आर द ट दुच रिवर राइट आंसर होगा गोदावरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव वट वॉज द फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ बुद्धिस्ट एट डियर पार्क इन सरनाथ इज कॉल्ड सो मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना आप लोग इसका आंसर क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स ए पर्सन फील फैटिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन देयर मसल राइट आंसर होगा लेटिक एसिड क्वेश्चन नंबर सेवन इन हुइच कंट्री डज द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन टेक प्लेस राइट आंसर इज जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह न्यूज़ पेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द क्वांटिटी दैट रिमेन द अनचेंज इन ए ट्रांसफॉर्मर राइट आंसर इज फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्लानट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेगुल्यूशन अराउंड द सन राइट आंसर होगा जुपिटर क्वेश्चन नंबर टेन व्हिच इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ द खरबेला किंग ऑफ कलिंगा राइट आंसर होगा हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर इलेवन हैज बीन डेजिग्नेटेड टू द चेयरमैन बाई द आई बी ए राइट आंसर होगा के का मत ये करंट अफेयर से आप लोग देख लेना ये बदला है क्या नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एशियन ड्रामा एशियन ड्रामा बाय ग्रुनार कल मिडल इज अ बुक ऑन हुइ सब्जेक्ट राइट आंसर होगा इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टीन इन द रेटिना ऑफ आई सेल व्हाट इज प्रेजेंट फॉर कलर डिफरेंशिएशन राइट आंसर होगा कौन्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन व्हेन विल द स्मिथ टाइटल कॉमेट क्रैश विथ आर्थ राइट आंसर होगा इन टू थाउजेंड सिक्सटीन एडी ছু থাউজে ছিক্সটিন টু ওৱান ওৱান চিক্স এডী নেক্সট ক্ৱেশ কেশ্চয়ন নম্বৰ ফিফটিন চেণ্ট থমাছ কেম টু ইণ্ডিয়া ইন ফ্ট চেঞ্চুৰি এডী টু প্ৰাগেট দ ক্ৰিষ্টানিটি ডুৰিং হুইচন ডি হি কম ছাইট আচৰ গ' ফেশ্যন ক্শ্চয়ন নম্বৰ ছিক্সটিন দ প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ ইণ্ডিয়ন ইউনিয়ন হেজ দেইম কনষ্টিটিউচন অথ'ৰিটি এজ দ হুইচ কণ্ট্ৰি ৰাইট আন ব্ৰিটিছ মোনাৰ্ক কেশ্চন নম্বৰটিন How many moles are there in 140 gram of the Si? Yani atomic mass of silicon is 28. Right answer hogaa uh, five. Question number 18. In which plant was the objective of the self-reliance and zero net foreign aid declared? Right answer hogaa fourth five-year plant. Next question. Question number 19. What is the approximate circumference of the earth? Right answer 30,000 kilometer. Question number 20 which sultan of the Delhi had accepted the suzerainty of the timurid ruler of the mirza shahrukh right answer is Khizr khan syed question number 21 which book was written by Gandhiji? right answer is my experiments with truth question number 22 which vitamins is essential for the uh, coagulation of blood right answer is vitamin k question number 23 which describes india as a secular state right answer is preamble to the constitution question number 24 when the wind is deflected due to the rotation of the earth what is, what is it called right answer is a geostrophic wind question number 25 which part of the delhi where the IBAG laid the foundation of the first so called seven cities of the medieval delhi right answer is meheroli question number 26 which is used to storage of the batteries right answer is okay, lead question number 27 uh, when is the world population day recognized by the un is observed right answer is okay, july 11th. क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट हुज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन द इक्वेटोरियल रीजन रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल राइट आंसर इज टू फिफ्टी सी एम क्वेश्चन नंबर थर्टी और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हु द अब्दुल रजाक फ्रॉम पार्सिया विजिटेड हम्पी हु आज द रूलर ऑफ द विजयनगर इन साउथ इंडिया राइट आंसर इज देबराया टू सो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच ये वीडियो आप लोग स्किप मत करना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या डाइवर्स फील्ड से क्वेश्चन है सो थैंक यू सो मच